नाबालिग से रेप की कोशिश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अयोध्या के बाद कन्नौज में भी एसपी नेता का नाम रेप जैसे संगीन मामले में सामने आया है। वहीं एसपी ने इस मामले में पल्ला झाड़ लिया है और साफ कर दिया है कि आरोपी नवाब सिंह का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज पुलिस ने एसपी के बड़े नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार रात नवाब सिंह यादव को डिग्री कॉलेज से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरवी मौके पर पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता अपनी बुआ के साथ नौकरी मांगने के लिए नवाब सिंह यादव के चंदन सिंह डिग्री कॉलेज गई थी। बुआ का आरोप है कि नवाब सिंह ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलवाने की बात कही थी। बुआ का कहना है कि वो थोड़ी देर के लिए मौके से हटी तो नवाब सिंह ने भतीजी से रेप करने की कोशिश की। जैसे ही वो पहुंची तो उसने इसका विरोध किया और 112 डायल कर पुलिस को बुला लिया। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसका संज्ञान लिया था और उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बता रहे हैं? हाँ, वो चीज़ें आई हैं उनके द्वारा। मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह कोतवाली में समर्थकों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को समझा कर वहां से हटाया। पीड़िता की शिकायत पर अलग अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अयोध्या के बाद कन्नौज में एसपी नेता अरेस्ट, नाबालिग से रेप की कोशिश में गिरफ्तार, एसपी सरकार में मिनी सीएम कहा जाता था, आरोपी नवाब सिंह यादव गिरफ्तार, कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड के तौर पर पहचान, क्या आप भी अखिलेश डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? बीजेपी के हमले के बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि कन्नौज की घटना में जिस नेता पर आरोप लगे हैं वो नेता एसपी से कई साल पहले ही अपना रिश्ता तोड़ चुका है। बीजेपी खुद को बचाने के लिए हर जगह एसपी में कमी ढूंढ लेती है। जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहाँ के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ है, पास है। जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। बीजेपी और एसपी में वार पलटवार को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या अब भी समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट की मांग करेगी। सपा के नेताओं से पूछिए कि भाई सपाइया क्यों आ रहे हैं। ये बात तो सपा के लोगों से पूछिए। अब सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर नार्को टेस्ट कर रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ डीएनए टेस्ट कराने, तो यहीं उठे करा लें, यहाँ भी डीएनए टेस्ट करा लें। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था, फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, किशोरी को आपत्तिजनक हालत में बरामद किया गया
और आरोपी नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।